कृषि कानून पर केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का किसानों से फिर से यही आग्रह है कि किसान तारीख तय करें, बातचीत के लिए सरकार तैयार है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यूनियन से आग्रह, जल्दी से जल्दी बातचीत के लिए आए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक शर्मा और सुंदर सोलंकी जी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदर जी, सबसे पहले मैं आपके पास यहां पर आऊंगी। देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर जो गेंद थी वो किसानों के पाले में डाल दी गई है कि किसानों को मुद्दे अपने क्लियर नहीं है। हम बार बार मुद्दे भी भेज रहे हैं उनको, लेकिन उनके पास खुद चीजें क्लियर नहीं है। सोनल, कई सारे बयाने हैं जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कृषि मंत्री ने की है और साफ तौर पर ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि जो किसानों को ये बातें कही जा रही हैं कि वो मुश्किल में है, इस बिल से परेशानी में है, काले कानून है, ये सारी चीज़ों को पूरे देश के सामने भी रखने की कोशिश की है कृषि मंत्री ने। कृषि मंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी शंकाएं हैं उनकी वो निर्मूल हैं, इसके माध्यम से ये भी प्रयास किया और दूसरा ये संदेश देने की भी कोशिश की कि संशोधन तो मंजूर है सरकार को, लेकिन अगर कानून रद्द करने के बाद किसान अड़े हुए हैं तो सरकार भी अपने रुख पर कायम है। सरकार बातचीत की बात कर रही है, सरकार संशोधन की बात कर रही है, लेकिन सरकार इस बात पर पूरी तरह से तैयार नहीं है कि इन बिलों को वापस लिया जाएगा, इन कानूनों को वापस लिया जाएगा या इनको रद्द किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो मामला है ये तूल पकड़ता दिख रहा है और जिस तरह से बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं कोई समाधान अभी निकलने की गुंजाइश बनेगी, तो ऐसी स्थिति में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये साफ किया गया है कि संशोधनों पर तो सरकार तैयार हो सकती है, लेकिन ये रद्द करने की बात है इस पर सरकार तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये जो दोनों के बीच गतिरोध है वो जारी रहेगा और जिसका खामियाजा खास तौर से पूरे देश के लोगों को तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन हरियाणा पर बात करें तो विशेष तौर से असर पड़ने वाला है क्योंकि 12 तारीख को जिस तरह से नेशनल हाईवे जाम करने की बात कही जा रही है, अभी भी स्थिति ऐसी है कि हरियाणा में आप दिल्ली से अगर प्रवेश करना चाहें, जाना चाहें तो वो नहीं जा सकते हैं और अगर हाईवे जाम होता है तो लोगों की मुश्किल है। बिल्कुल सुंदर जी, सही कह रहे हैं आप, स्थिति जो है वो चिंताजनक बन सकती है प्रदेश के लिए भी। दीपक, देखिए अभी कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जिस तरह से सुंदर जी बता रहे हैं कि तमाम चीजें साफ कर दी गई हैं कि कृषि कानून वापस तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ संशोधन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मांग एक ही है किसानों की कि कानूनों को खत्म किया जाए। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आगे होने जा रही है, उसमें किस तरह की चीजें सामने आने की संभावना है, क्या रुख रवैया नजर आ रहा है आपके अनुसार? जी बिल्कुल, अब से 15 मिनट के बाद 5:15 बजे का समय किसान संगठनों की तरफ से दिया गया है, जब सिंगू बॉर्डर से किसान संगठनों के द्वारा एक प्रेस वार्ता की जाएगी। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से किसान संगठन नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री और केंद्र सरकार का जो कि केंद्र सरकार की तरफ से जो ये बयान आया कृषि मंत्री का, इसको लेकर के अपना जवाब रखेंगे। लेकिन अगर हम इस पूरे आखिर प्रेस वार्ता की अगर रूपरेखा की बात करें कि आखिरकार केंद्र सरकार को जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक दिन पहले ही अगर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजा गया था, 20 पेजों का ये प्रस्ताव था जिसमें एक पेज तो अपना आंदोलन खत्म करने को लेकर रिक्वेस्ट थी कि इस आंदोलन को रिक्वेस्ट की समाप्त किया जाए। 19 पेजों की अगर हम बात करें तो उसमें तमाम बातें रखी गई थी, पृष्ठभूमि किस तरीके की रही, क्या कारण रहा, कब से इसकी शुरुआत की गई थी इस कानून को लाने की, कि 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी, विचारे तमाम सरकारों ने विचार करा, तमाम उदाहरण दिए गए, इनकी मांगों को लेकर चर्चा की गई कि MSP की जहाँ तक वही बात अब कृषि मंत्री ने जो कल जब ये प्रपोजल उनके पास पहुंचा, जब प्रस्ताव उनके पास पहुंचा ड्राफ्ट किसान संगठनों के पास, क्योंकि वो इस तमाम ड्राफ्ट के बारे में पहले से ही जानते थे क्योंकि ये ड्राफ्ट चर्चाओं में पहले भी रहा है लेकिन लिखित तौर पर भेजा गया, तो उन्होंने उसको तुरंत खारिज कर दिया, किसान संगठनों ने मानने से इनकार कर दिया। और ऐसे में ये ड्राफ्ट सरकार जो है सरकार ने भेजा ये लोगों के सामने आ सके, जो किसान संगठनों ने जिसको लेकर के चर्चा नहीं करी खुले तौर पे, कृषि मंत्री ने आज वो प्रेस वार्ता करके तमाम बातें सामने रखी कि किस तरीके से MSP की कम में खरीद नहीं होने दे